पीएम किसान सम्मान निधि की को जारी किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। आज बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की जारी करेंगे। सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में करीब 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सम्मान निधि के तहत अब तक 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपए वाली किस्त भेजने वाला। किसानों के लिए गुड न्यूज, जी हाँ किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त किसानों के खाते में जारी कर सकते हैं। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में जारी करती है। यह पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए सभी किसान भाइयों को अपना EKYC का वेरिफिकेशन करवा लेना है, साथ ही भूलेख सत्यापन का कार्य भी करवा लेना है। ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों को पूछना होता है, क्या हमने अपना EKYC अपडेट करवा लिया है, क्या हमें दोबारा अपनी EKYC अपडेट करवाना होगा। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत जो ना कई फर्जीवाड़े तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं। आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन 8.5 करोड़ किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है। करीब 3 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की किस्तें नहीं डाली जा रही है। इसका मेन कारण आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों के, किसानों ने अपना EKYC का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। तो अगर आपने भी अपना EKYC वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप अपने आसपास के नज़दीकी सेंटर पर जाइए और अपनी EKYC का वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अगर आपको पीएम किसान योजना को लेकर किसी प्रकार से समस्या है तो आप पीएम किसान योजना के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1-5526 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।